वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। जो ये सीरीज़ है आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे तो हमने इसे नाम दिया है NTA नेट, परंतु कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, वहाँ पर आपको ये प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे ही जाएंगे। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को सुनते रहिएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पेजेस के साथ नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले जो आज का कोट है वो आपको सुना देता हूं। कल समय मिलेगा ये कितना बड़ा भ्रम है और ये आपको हमेशा पीछे लेकर जाता है। देखिए, इससे हमें क्या उत्साह मिल रहा है, इससे हमें ये उत्साह मिल रहा है कि कोई भी कार्य हमें कल के लिए नहीं छोड़ना है। मान लीजिए कुछ कार्य ऐसे हैं जो आप आज ही कर सकते हैं, तो उसे कल के लिए क्यों छोड़ें। अगर आपका मन करता है कि आज आप 4 घंटे पढ़ सकते हो तो बेशक आप 4 घंटे पढ़िए। ये मत सोचिए कि आज आप 2 घंटे पढ़ोगे, कल 2 घंटे एक्स्ट्रा लगा दोगे। नहीं, समय अगर आपके पास पर्याप्त है तो आज ही आप 4 के 4 घंटे पढ़िएगा। कल के लिए डिले मत करिएगा किसी भी कार्य के लिए, क्योंकि अगर आपने कल के लिए डिले कर दिया तो वो आगे प्लस 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 होता जाएगा और आपको एकदम काफ़ी बर्डन पड़ जाएगा उस कार्य को। इसलिए जो भी समय मिलता है उसे समय पर करते रहिएगा और काम बिल्कुल भी मिस मत करिए अपना काम करना। जो भी कार्य होता है उसे करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जो हमारी टीम के द्वारा नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, चाहे NTA नेट हो या LT कमीशन हो या PGT हिंदी, नोट्स हमारे अवेलेबल हैं। कोई भी अगर लेना चाहता है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। आपको नोट्स दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन में, ये जो हार्ड कॉपी नोट्स अब हमारी टीम के द्वारा अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। कोई भी अगर आप में से इंटरेस्टेड है तो आप इन्हें अपने घर पे मंगवा सकते हो। ये जो नोट्स हैं ये 1500 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको लेना हो तो आप हमें जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर कॉन्टैक्ट करिए, इस पर व्हाट्सएप करिए, आपके घर पर ये नोट्स उपलब्ध करवाए जाएंगे। बार बार अगर आप इन्हें पढ़ते हो तो आपको काफ़ी लाभ इनसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। तो विकल्प में आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें देखिए जो सही विकल्प होगा, निम्नलिखित में से किस पात्र का संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है, तो सही जो विकल्प होगा, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी, जो जयमाला है। ये जो चंद्रगुप्त नाटक है इसकी ये पात्र नहीं होंगी। बाकी एलिस, अलका, लीला, ये आपके चंद्रगुप्त नाटक के पात्र होंगे। साथ में ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त नाटक है ये कब प्रस्तुत किया गया था या प्रकाशित किया गया था, 1931, ये आपको याद होना चाहिए। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया था। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ये लिखा गया था, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा ये लिखा गया था। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो ये जो नाटक है इसके अन्य प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। इसमें देखिए आपको, जैसे एलिस तो हो गया, अलका, एलिस, अलका, लीला, ये हो गए, ठीक है ना। फिर अन्य पात्र इसमें होंगे आपकी कल्याणी, सुवासिनी, मालविका, कार्नेलिया, नीला, चंद्रगुप्त, ये प्रमुख पात्र हैं। इसके पश्चात बरुचि, आंभिक, चाणक्य, सिंहरण, पर्वतेश्वर और सिकंदर, फिलिप्स, सेल्यूकस, दंडाइन, गांधार नरेश, ये इसके अन्य प्रमुख पात्र हैं। फिर और जो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से आपको बता देता हूँ, जो चंद्रगुप्त नाटक है इसमें कितने अंक हैं। चंद्रगुप्त नाटक है इसमें हैं आपके कितने अंक, 4 अंक हैं इसमें। कितने अंक? 4 अंक, ठीक है। फिर ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इसमें दृश्य कितने हैं। 44 दृश्य हैं इस नाटक में, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें गीतों की संख्या कितनी है, तो गीतों की संख्या है इसमें टोटल जो गीत हैं 13, हाँ 13 इसमें गीत हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप।
इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे जो तथ्य मैंने बताए। ध्यान से देखोगे तो भविष्य में भी आपको ये कामयाब करेंगे परीक्षा हेतु। और जो जयमाला यहाँ पर पात्र है, जयमाला जो जयमाला है ये किस नाटक की है, तो ये आपकी होगी स्कंदगुप्त की, स्कंदगुप्त नाटक की पात्र। स्कंदगुप्त कब का है? 1928। और किसका होगा ये? जयशंकर प्रसाद का ही है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा तो दो, ब्रजकिशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ब्रजकिशोर, तो देखिए अगर कभी आपने परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में तो लगा ही है, तो जो ब्रजकिशोर है ये है इस उपन्यास का पात्र। विधा उपन्यास है और जो एक तरह से आप इसे नायक ही कह सकते हैं, क्योंकि जो ये जो परीक्षा गुरु उपन्यास है इसमें जो बिगड़ेल होता है लाला श्रीनिवास दास, तो इसका हर समय मार्गदर्शन करता है और मजबूरी में सहायता भी करता है, ठीक है, तो इसलिए ये इस उपन्यास का पात्र होगा, प्रमुख पात्र। इसके पश्चात और तथ्य आपको बता देता हूँ, जो ये उपन्यास है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1882 का, 1882 ईस्वी। और क्या है यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य और होगा यहाँ से कि ये उपन्यास विधा की रचना है, इसमें प्रकरणों की संख्या पूछी जा सकती है, कितनी है? प्रकरण है इसमें 41 प्रकरण हैं, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा कभी तो आप यहाँ पर ये सही कर सकते हो। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण पात्र इसकी आपको बता देता हूँ, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास और मदन मोहन और चुन्नीलाल, शंभूदयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम दास, ये प्रमुख पात्र होंगे। जो यहाँ पर है आपका धरती धन नापना, ये बताइएगा ये किसका उपन्यास है, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ता हूँ। आप लोग नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए ये। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है, तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, एक तरफ रचनाएं दी गई हैं और दूसरी तरफ रचनाकार, तो चलिए कर लेते हैं इनका मिलान। जैसे कि ब्योमकेश दरवेश, ये किसकी रचना होगी, तो ये होगी आपकी विश्वनाथ त्रिपाठी की, किसकी होगी? विश्वनाथ त्रिपाठी की। एक का तीन हो गया। कलम का मजदूर ये किसकी है? मदन गोपाल की ये हो गई। घर का जोगी जोगड़ा ये किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह। अबारा मसीहा ये किसकी है? और ये होगी विष्णु प्रभाकर की। अबारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ ये मिलान है, बार बार इसको देखिएगा क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट परीक्षा में आपसे ये पूछा जाएगा। PDF इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? ये जो प्रश्न है ये भी कई बार पूछा जाता है, बार बार बच्चन सिंह, जब सिलेबस पूरा चेंज हुआ था तब भी यहाँ से प्रश्न आया था। तो देखिए जो बच्चन सिंह है, ये जो राजा निर्वंशिया कहानी है इसका पात्र है ये बच्चन सिंह। एक तरह से ये अच्छा पात्र नहीं है, क्यों? ये जो मजबूर व्यक्ति होते हैं, मजबूर असहाय लोग होते हैं, उनका एक तरह से लाभ उठाता है उनकी परिस्थिति का और अपना जो इसका स्वार्थ होता है उसकी पूर्ति करता है, ठीक है, एक तरह से कंपाउंडर टाइप का ये बंदा होता है जो हॉस्पिटल में होते हैं ना, तो उसमें ये पात्र है। फिर देखिए और आपको बता देता हूँ, राजा निर्वंशिया कहानी का पात्र है और राजा निर्वंशिया कहानी किसकी होगी? कमलेश्वर की। और तथ्य क्या है यहाँ से? और तथ्य महत्वपूर्ण ये हो जाएगा, इसका समय कब का है राजा निर्वंशिया का? 1957 ईस्वी का। फिर यहाँ पर और महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार से हो जाएगा, बच्चन सिंह, जगपति, दयाराम, चंदा, भटियारीन, ये इसके प्रमुख पात्र होंगे। जो एक तो जगपति याद रखिए आप, जगपति और चंदा,
चंदा अपने पति जगपति के लिए अपना एक तरह से शरीर बेच देती है इस कंपाउंडर को, बच्चन सिंह को, कि इसे ठीक कर ले तो किसी भी हालत में। तो इस तरह की कुछ कहानी है यहाँ पर। इसको अब हम चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 5, तुमने इतने दिन मुझे जिस प्रेम से रखा माँ भी ना रखती, भगवान मुझे फिर जन्म दे तो तुम्हारी कोख से दें, यही मेरी अभिलाषा है। गोदान उपन्यास में यह कथन किस पात्र का होगा? पहले तो ध्यान रखिए, प्रस्तुत कथन किस उपन्यास का है? तो ये गोदान उपन्यास का है। और किसका होगा ये कथन? तो यहाँ पर आपके समक्ष विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो सही विकल्प होगा तो ये होगा आपका झुनिया का। किसका है ये? झुनिया का। झुनिया किससे ये कथन कहती हैं? झुनिया कहती है किससे कहती है? आपको नीचे लिख के बताता हूँ मैं। झुनिया कहती है ये कथन अपने धनिया से। धनिया से कहती है। फिर कुछ एक और तथ्य बता देता हूँ जो गोदान उपन्यास का ये है। गोदान उपन्यास का क्या समय माना जाता है? गोदान उपन्यास का 1936। और किसका है ये उपन्यास? मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद का, प्रेमचंद नहीं, मुंशी प्रेमचंद। तो इनका ये उपन्यास होगा। फिर यहाँ पर कुछ और आपको बता देता हूँ, जैसे पात्र कौन कौन से हैं इसमें। देखिए, होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, रूपा, सोना, भोला, हीरा, दाता दीन, मेहता, मालती, राय साहब, ये इसके प्रमुख पात्र होंगे। और जो ये उपन्यास है इसमें किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र में होरी माने जाते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे अवश्य लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। तो प्रश्न है यहाँ पर हमारा 6। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो यहाँ जो सही विकल्प होगा तो ये होगा विकल्प सी, जो आचार्य नरेंद्र देव है, इन्हें चुना गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव चुने गए थे। इस समिति में कुल कितनी बैठकें हुई थी, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इस समिति में कुल बैठकें हुई थी 9। फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी। तो इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखें। और है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता, अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता की गई थी आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। ये थी आपकी क्या? उपराष्ट्रपति। ये आपने ध्यान रखना है, आपको पूछा जाएगा ये प्रश्न। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 7, इसमें क्या पूछा गया है? संबत 1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित किए। आचार्य शुक्ल द्वारा ये कथन किस उपन्यासकार के बारे में कहा गया है? तो जो प्रस्तुत कथन है ये किसके लिए कहा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा? तो ये कहा गया था किशोरीलाल गोस्वामी जी के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा आप। जो ये कथन है इसे आपको और भी तथ्य बता देता हूँ।
संबत, पहला प्रश्न तो ये इस प्रकार से होगा कि जो उपन्यास मासिक पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था, जो उपन्यास है ये मासिक पत्र है, कैसा है, मासिक पत्र, मासिक पत्र है ये, और कब निकाला गया था इसे, 1955 संबत 1955 में, ठीक है, तो ये निकाला गया था। और इनके द्वारा कुल कितने उपन्यास लिखे गए थे छोटे बड़े, किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा छोटे बड़े लिखे गए थे 65, ये भी ध्यान रखना है उपन्यास, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती होगी आपकी, चाहे हरियाणा वालों की बात करें या फिर अगर बात करते हैं हिमाचल, हिमाचल में तो पहले पूछा भी गया था इस तरह का प्रश्न, तभी कह रहा हूँ आगे भी आपको ये तथ्य प्रस्तुत करने के लिए आ सकते हैं। अगला है 8, निम्नलिखित में से कौन सी कृति मल्लुक दास की नहीं है, मल्लुक दास की कृति नहीं है वो पूछा गया है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा आपका तो वो हो जाएगा जो ज्ञान समुद्र है, ये मल्लुक दास जी की कृति नहीं होगी, बाकी ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक ये तो होंगी आपकी मल्लुक दास जी की रचनाएं, और जो मल्लुक दास हैं ये आपके माने जाते हैं संत, ठीक है, संत अर्थात जो निर्गुण संप्रदाय को मानते थे, जो कबीरदास की परंपरा में चलने वाले थे। अगला प्रश्न क्या है, रचनाओं के प्रथम प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पहले से बाद के क्रम में रचनाओं को लगाना है, पहले से बाद के क्रम में, तो यहाँ पर रचनाएं देखिए, सब कुछ होना बचा रहेगा, मगध अपनी केवल धार, चांद की बर्तनी, अकाल में सारस, इस आधार पर हमें ये लगाने हैं, तो चलिए लगा लेते हैं। जैसे कि जो अपनी केवल, आगे आपको लिख के भी बता देता हूँ, अपनी केवल धार, अपनी केवल धार ये 1980 में आया, किसका है ये, 1980 में तो आया, ये अरुण कमल का है, अरुण कमल 1980 में ये हो गया अपनी केवल धार। फिर मगध, कौन सा मगध, जो मगध है ये 1984 में आया, कब 1984 में आया, किसका होगा ये, श्रीकांत वर्मा का, श्रीकांत वर्मा। फिर अगला होगा यहाँ पर अकाल में सारस, अकाल में सारस ये कब आया, अकाल में सारस 1988 में, और किसका होगा ये, केदारनाथ सिंह का, केदारनाथ सिंह का होगा, सिंह इनका है ये, केदारनाथ सिंह का। इसके पश्चात अगला है सब कुछ होना बचा रहेगा, सब कुछ होना बचा रहेगा ये कब आया, तो ये आया 1992 में, और क्या था इसका, इसके रचनाकार कौन थे, विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है, ये 1992 में है। इस क्रम में जो यहाँ पर देखिए अंतिम है चांद की बर्तनी, और ये किसका है, राजेश जोशी का, और ये 2006 में आया, तो जो इस बर्तनी में सही होगा CBEAD, CBEAD विकल्प बी, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा, विकल्प सी। इसलिए ध्यान रखिएगा जो भी तथ्य आपको बताए तो नोट करते रहिएगा इसे, क्योंकि परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं किसकी रचना कौन सी है और कब आई। अगला प्रश्न है नननपुर हाट का जिक्र किस कहानी में आया, जो नननपुर हाट है
जब तक आप पूरे पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो विकल्प आपके समक्ष यहाँ पर चार दिए गए हैं। किस कहानी में ये जिक्र आता है तो देखिएगा, ये आता है आपके तीसरी कसम। कौन सी? तीसरी कसम जो कहानी है। दूसरा नाम है तीसरी कसम अर्थात मारे गए गुलफाम, इस कहानी में आया था ये ननपुर हाट। तथ्य देखिए, और पूछा जा सकता है कि जो ये कहानी है तीसरी कसम, ये किसके द्वारा रचित है? फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा, फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा, शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये कहानी कब आई थी? 1956 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में आई थी ये। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का पहले से बाद के क्रम में लगाना है। पहले वाला प्रश्न ही इसी तरह से संबंधित था ये। चलिए बता देता हूँ आपको, जैसे ये जितनी भी रचनाएं हैं ये सारी किसकी होंगी? रामधारी सिंह दिनकर की। दिनकर जी की रचनाएं हैं सारी की सारी। फिर पहले से बाद के क्रम में लगानी है तो देखिए, जो आपकी उर्वशी है, उर्वशी ये कब लिखी गई थी? प्रकाशन वर्ष क्या है इसका? उर्वशी का है 1961 उर्वशी का होगा। फिर सामधेनी का, सामधेनी का कब का है? 1947 सामधेनी 1947। रश्मि रथी, मेरी प्रिय रचनाओं में से एक है रश्मि रथी, अवश्य पढ़िएगा इसे कभी आप, 1951। फिर आपकी रसवंती, ये किसकी? ये भी दिनकर की है। कब का है इसका समय? रसवंती का 1940। फिर एक कुरुक्षेत्र, अच्छी रचना है ये, ओजपूर्ण रचना है कुरुक्षेत्र, ये कब की है? 1946। तो अब आप इसे अपने हिसाब से लगा सकते हो। सबसे पहले कौन आ रही है यहाँ पर? तो सबसे पहले आ रही है रसवंती। डी कहाँ पर है? जहाँ पर भी डी होगी उसकी सही होने की संभावना है। डी है दो जगह, ए में भी है बी में भी है। 1940 के पश्चात कौन सा आएगा? 46 1946, तो मतलब कुरुक्षेत्र। ई कहाँ पर आ रहा है? ई देखिएगा आप, ई आ रहा है विकल्प ए में, तो इस कारण विकल्प ए ही यहाँ पर सही होगा। डी ई बी सी ए, सारे प्रकाशन वर्ष आपको बता दिए हैं, बाकी आप मैच कर लीजिएगा आराम से। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी जो शाखा भारत में पहली खुली, मद्रास में। मद्रास ये भी पहले प्रमुख केंद्रों में से एक था भारत का, मद्रास। और अगर इससे पूछा जाए आपसे, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी 1875 में, स्थापना। फिर इसके पश्चात है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? इसके संस्थापक कौन कौन थे? ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट। लिख देता हूँ ये भी आपको ताकि याद रहे। ब्लावत्स्की एंड कर्नल अलकाट, ये थे इसके संस्थापक। अगर पूछा जाएगा भारत में इसके प्रचार प्रसार में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये आपके लिए छोड़ दूं प्रश्न, बताइए आपको। हाँ चलिए आपके लिए छोड़ देता हूँ। काफ़ी चर्चित चेहरा है ये, ठीक है ना, और नोबल पुरस्कार तो नहीं मिला था इन्हें, कोई चर्चित पुरस्कार भी मिला है, ठीक है ना, शायद नोबल पुरस्कार ही दिया गया था शांति के क्षेत्र में इन्हें, दूसरों के सेवा भाव के लिए। तो ये प्रश्न आप बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ये उत्तर आपको दे दूंगा। काफ़ी चर्चित नाम है ये। अगला है 13। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है अर्थात कथन एक है, और दूसरा है आर कारण। ए और आर में देखना है हमने कौन सही है कौन गलत है, उसका हमने यहाँ पर चयन करना है। अभी कथन देखिए यहाँ पर, ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य के उस अंध
सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। कारण देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। उपर्युक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथनों या फिर क्या है ये दोनों उसका चयन करना है। सही हैं दोनों या गलत हैं ये बताना है। जैसे कि यहाँ पर होगा विकल्प सी सही। यहाँ पर ए तो सही है परंतु आर यहाँ पर सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आर यहाँ पर सही? क्योंकि आर में क्या कहा गया है? कारण में क्या कहा गया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का संदेह है कि शायद ही ऐसा दिन आएगा जब मनुष्य अपनी आसुरी वृत्तियों का त्याग कर देगा और समस्त संसार हिंसा घृणा और छीना झपटी के विषाक्त वातावरण से मुक्त हो जाएगा। ऐसा इनका कथन नहीं था, इसलिए सी यहाँ पर सही हो जाएगा विकल्प। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम याद रखिएगा। इनकी जो नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। उस निबंध से ये कथन लिया गया है, सिलेबस में लगा है, अगर आपने पढ़ा हो तो आप इसे सही कर सकते थे। अशोक के फूल, कुटज, देवदारु, शीरीष के फूल, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इन्हीं के निबंध माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, तो चलिए कर लेते हैं सुमेलित। जैसे कि यहाँ पर एक तरफ यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ रचना दी गई है, तो इनका मिलान करना है हमने। एक और द्रोणाचार्य, इसका प्रमुख पात्र कौन माना जाता है? एक और द्रोणाचार्य, तो लीला। लीला कहाँ है? एक और द्रोणाचार्य के पात्र है। स्कंदगुप्त, इसका प्रमुख पात्र किसे माना जाता है स्कंदगुप्त का? तो स्कंदगुप्त का हो जाएगी कमला। चंद्रगुप्त, ये ऊपर ही देखा हमने चंद्रगुप्त, तो मुझे पूर्ण आशा है कि चंद्रगुप्त तो आप सही बता ही देना अगर आप मिलान कर रहे होंगे। तो जो अलका है ये होगी चंद्रगुप्त की। अंधायुग का प्रमुख पात्र कौन है? युत्सु। तो ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक एक भी आपसे पूछा जा सकता है कि पात्र किसका है किसका नहीं है। इस कारण जो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं, ए का दो किधर है? यहाँ पर भी है। ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। और बी का तीन कहाँ है? बी का तीन एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये भी एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट करना बता रहा हूँ आपको, नहीं तो सीधे उत्तर बता देता। चंद्रगुप्त, अलका, सी का चार कहाँ है? सी का चार यहाँ पर भी है अभी भी, हाँ यहाँ पर भी है सी का चार, हाँ ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि बाकी तो पहले ही एलिमिनेट हो गए थे। विकल्प डी ही हमारा बचा हुआ था, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। लंबा जाना जरूरी नहीं होता है अगर आप एलिमिनेट को अपनाते हो, एलिमिनेट मेथड को। इस कारण हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? जो पिता कहानी किसकी है, ये भी आप बताना। चलो मैं बता देता हूँ कितने प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा। जो पिता कहानी है ज्ञान रंजन सिंह की है, इनकी है ये कहानी। तो पढ़ लेते हैं पहले कथनों को। जैसे कि पहला कथन है, उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की चाहत नहीं थी। प्रस्तुत कथन किसके संबंध में कही गई है? पिता के संबंध में कही गई है। क्या ये सही है? जी बिल्कुल ये सही है। फिर है, वे पैसे जमा कर रखने में यकीन क्यों नहीं रखते थे? जितने भी बूढ़े व्यक्ति होते हैं तो उनकी ये इच्छा होती कि फालतू खर्चा ना किया जाए, पैसे जमा किए जाएं। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है यहाँ पर? सी, वे दूसरों के द्वारा लाई हुई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे। ये भी बिल्कुल सही है। जो बुजुर्ग आदमी होते हैं वे अपनी ही चीज़ों पर ज़्यादा खुश रहते हैं, दूसरों की चीज़ों में नहीं। तो पिता कहानी में भी यही चीज़ श्रेष्ठ होती है। सी तो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्या है?
वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं। ये भी सही है। एक बार पूछा गया था ये प्रश्न, पिता कहानी में पिता क्या पढ़ते रहते थे, तो रामायण और गीता पढ़ते रहते थे 35 वर्षों तक। देखिए पहले सिंगल लाइनर में प्रश्न पूछा गया था, तो यहाँ पर ये लाइन डाल दी गई। इसने किसी ने अगर पढ़ा हो पहले इस प्रश्न को, परीक्षा दी हो, प्रीवियस क्वेश्चन का महत्व इस प्रकार से होता है, तो ठीक कर लेता, क्योंकि रामायण और गीता तो पढ़ते ही रहते थे, इसलिए डी भी सही हो जाएगा। ई क्या है, बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए बिस्किट और फल ही उन्हें पसंद थे। बाजार से स्वयं खरीद कर लाए गए, नहीं ये भी सही नहीं होगा। ठीक है कथन, क्योंकि बाजार से स्वयं खरीद लाए ये चीज़ें उतनी पसंद नहीं थी, घर की रोटी उन्हें ज़्यादा पसंद लगती थी बिस्किट इत्यादि से, इसलिए ई भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं, एक तो आपका ए सही होगा, ए सी और डी। ए सी और डी कहाँ पर है, विकल्प ए में है, ए सी डी ई, ए सी डी, तो इस कारण विकल्प ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए फिर ये ठीक हो गया आपका ए। तो कुछ और तथ्य बता देता हूँ आपको, जैसे ज्ञान रंजन सिंह है इनके द्वारा जो पिता कहानी कब लिखी गई थी, कब प्रकाशित की गई थी, 1965 ईस्वी में। और अन्य इनकी प्रमुख कहानियाँ कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, फैंस के इधर उधर, यात्रा, क्षण जीवी, सपना नहीं आदि, ये इनके अन्य कहानी संग्रह होंगे। तो देखिए मित्रों, कुछ इस प्रकार से आज का ये हमारा लेक्चर था, ज़्यादा लंबा तो हमने इसे नहीं खींचा, परंतु जितना भी महत्वपूर्ण था आपकी परीक्षा हेतु वो हमने यहाँ पर आपको सारा बता दिया है। तो आराम से इस लेक्चर को आप नोट करते रहिएगा, और फिर से वीडियो को समाप्त करने से पहले आपको जो ईबुक हमारी टीम द्वारा लॉन्च की गई है, जो स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, चाहे LT कमीशन की, PGT हिंदी की, और नेट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ये हमारी ईबुक होगी। ई बुक तो नहीं, हार्ड कॉपी नोट्स हैं ये, बुकलेट टाइप की है। कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो संपर्क ज़रूर करें, व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिया है तो व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बन रहे इसका बहुत बहुत धन्यवाद।